इधर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान और उनके बेटे पर एफआईआर दर्ज की गई है। नोएडा पुलिस ने अमानतुल्ला खान और उनके बेटे पर एफआईआर दर्ज की है। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जिनके बेटे पर नोएडा में सेक्टर 95 के पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी और पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट के मामले में ये केस दर्ज हुआ है। सीसीटीवी फुटेज भी इस मारपीट का अब तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि विधायक का बेटा लाइन तोड़कर पेट्रोल भरवाने की कोशिश कर रहा था, जिस पर विवाद की शुरुआत हो गई। तो अब पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ये वीडियो सामने आया था, अमानतुल्ला खान के बेटे ने गुंडई की, पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ मारपीट भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर केस दर्ज किया है। देखिए किस तरह से विवाद होता है, फिर हाथ में पाना लेकर ये कर्मचारी को मारने के लिए दौड़ता है। अमानतुल्ला खान जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनका बेटा है जो लाइन तोड़कर पेट्रोल भरवाना चाहता था सेक्टर 95 नोएडा, जहां पर ये पूरा हंगामा हुआ और अब एफआईआर पुलिस ने दर्ज कर ली है हंगामा करने और एक कर्मचारी पर हमला करने के मामले में। थाना पेटबल का प्रकरण है जहां पर एक तहरीर प्राप्त हुई कि यहां पर सुबह के समय में एक पेट्रोल पंप है जहां पर कि अमानतुल्ला के बेटे हैं जो कि पेट्रोल लेना था लाइन तोड़ करके और जबरदस्ती पेट्रोल लेने के प्रयास में इनके द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और धमकी दी गई। उसके पश्चात विधायक अमानतुल्ला स्वयं है तहरीर में अंकित किया गया है, उनके द्वारा भी धमकी दी गई। इस तहरीर के प्राप्त होने पश्चात मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।